पापा जी, अभी ना सनी बाहर बोल रहा था कि उसको बड़ा होकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनना है। मैंने तो मना कर दिया। मैंने बोला, अरे भाई, अगर तुझे ड्राइवर भी बनना है ना, उसके लिए भी पहले इंजीनियर बनना पड़ेगा। और वो मान भी गया पापा जी। अब वो बोल रहा है वो इंजीनियर ही बनेगा। मैंने देखा तू समझदार तो है। इसके लिए तुझे 5 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह से इस महीने में तेरे पॉइंट्स हो गए 50 हो जाते, लेकिन 2 पॉइंट्स मैं माइनस कर रहा हूं। क्यों पापा जी? वो इसलिए कि 4:05 हो गए हैं, मुझे मेरी चाय नहीं मिली। पापा जी, I'm so sorry, I'm so sorry। मैं किचन में चूल्हे पर रखकर आई थी, लेकिन फिर भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। सॉरी। नहीं, ठीक है, अपने बच्चे हो जाते हैं तो अपने बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं। नानू 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 नानू, आपको पता है सबसे फास्ट व्हीकल कौन सा है दुनिया में? हाँ, मुझे तो पता है बेटे, लेकिन तुम बताओ। नानू, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला व्हीकल है ऑटो रिक्शा। बेटा, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला वाहन है हमारा मन। एक पल में मन करता है ये कर लें, एक पल में वो कर लें। मन करता है और हम मन के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा तेज मन होता है। और हाँ, जितना तेज वाहन उतना ही तेज और मजबूत उसका ब्रेक भी होना चाहिए। तो मन के लिए सबसे अच्छा ब्रेक है हमारा विचार, हमारा नियम। तो इसलिए जिंदगी में नियम का होना बहुत जरूरी है। पिंकी, मैं सोच रहा हूं एक किताब लिख दूं, मन और नियम। अरे लेकिन पापा जी, आप तो पहले वो किताब लिख रहे थे ना, वो समाज और संस्कृति। उसकी तो प्रस्तावना लिखकर ही मन हट गया था उससे, लेकिन ये जो है ना, ये मन की बात, ये सही लग रहा है मुझे। तो मैं किताब लिख ही देता हूं। मैं काम करता हूं, मैं स्टडी में जा रहा हूं, तू एक काम कर, तू चाय वही लेकर आ जाना, ठीक है? हाँ, ओके।